नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे उनहत्तर हज़ार सच्चाई भर्ती की। सुप्रीम कोर्ट में आज आंसर की मामले को लेकर सुनवाई थी और इसमें जो आदेश आया वो आया है डबल बेंच का, जो आदेश था उसको सुरक्षित रख लिया गया और उत्तर कुंजी केस को खारिज कर दिया गया एक तरीके से देखा जाए। देखिए साथियों, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि उत्तर कुंजी केस पर अगर आप चाहते हैं कि भर्ती पूरी तरह से स्टे हो जाए तो नहीं होगा। देखिएगा, सरकार की तरफ से सॉलिटर जनरल तुषार मेहता सर उपस्थित हुए थे, जिन्हें लोग बीटीसी लोग बड़े साहब कहकर भी पुकारते हैं। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो वहाँ से पूर्व सॉलिटर जनरल उपस्थित हुए थे। साथियों, जस आपने एक जैसे सिंगल बेंच और डबल बेंच का ऑर्डर पढ़ के सुनाया विपक्ष के वकीलों, तो जस साहब ने एक टिप्पणी की। इन्होंने कहा, पूरे देश की सभी परीक्षाओं में उत्तर माला को चैलेंज करने का एक तरीके से कल्चर बन चुका है, और अगर आप चाहें कि उत्तर कुंजी मामले को देखकर अगर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दें तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आज क्या हुआ, जो आंसर की मामला था वो एक तरीके से खारिज कर दिएगा। साथियों, अगर जो पिछली सुनवाई हुई थी सरकारी तरफ से, जिसमें ऐश्वर्य भाटी उपस्थित होते, अगर वहाँ पर तुषार मेहता अगर उपस्थित होते तो कहीं ना कहीं आज जो केस मॉडिफिकेशन अपील पर जो सुनवाई होनी थी उस पर रिलीफ मिल जाती, परंतु सरकार की वहाँ पर लचर पैरवी के कारण ही वो डेट 14 जुलाई लग चुकी है। साथियों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कहीं पर भी आंसर की मामले विवाद पर अगर आप पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे मांगते हो तो मिलता नहीं है। ठीक है साथियों, वो सिंगल बेंच आप कह सकते हैं, सरकार की लचर पैरवी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि साथियों ये होता है, अगर देखिएगा क्या होता है, अगर एक दो नंबर अगर बढ़ते हैं तो सरकारी तरफ से बैन भी आपने सुना था, साफ साफ बैन भी कहा था उन्होंने, कहा अगर जो लोग भी अगर एक दो नंबर बढ़ते हैं, अगर वो कट ऑफ के दायरे के अंदर आते हैं तो हम उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए तैयार हैं, ये सरकार ने कह दिया था। फिर आपका मामला बनता ही नहीं जब सरकार खुद कह रही है अगर एक दो नंबर बढ़ते हैं, अगर UGC की रिपोर्ट के अनुसार, जो UGC रिपोर्ट गठित की बात की, अगर उसके अनुसार एक या दो नंबर बढ़ते हैं हम नौकरी देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप क्यों कोर्ट केस कर रहे हैं? जब आपको देने के लिए सरकार स्वतः तैयार है, फिर भी आप पूरी भर्ती प्रक्रिया फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, तो वही केस था, आज बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और डबल बेंच का जो आदेश था उसको सुरक्षित रख लिया गया। साथियों, अभी सर साथियों अभी आज चार सुनवाई होने बाकी है, अभी ये आंसर की हो गई, NOC की भी है और धांधली परीक्षा पर भी है। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारी चैनल से जुड़ सकें।